हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजिस लॉजिस्टिक के बारे में। तो एजिस लॉजिस्टिक के बारे में एनालिसिस करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है, चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में मार्केट का सिनेरियो में जैसे अभी चल रहा है, मार्केट में किस दिन करेक्शन चल रहा है, किस दिन एक बढ़िया सा निफ्टी में जंप देखने को मिल रहा है, ऐसा सिनारियों में आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए। अगर आपका टारगेट प्राइस जब तक अभी आपका टारगेट प्राइस नहीं आया है, तब तक आपको स्टॉक सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में कोई भी स्टॉक है, उसका एनालिसिस ज़रूर देख लीजिए, कौन से टारगेट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करके चलना है। ठीक है, जब तक प्रॉफिट नहीं आया है, तब तक स्टॉक को लॉस में सेल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा स्टॉक हमारा पोर्टफोलियो में है अभी लॉस में चल रहा है। तो इसका मतलब नहीं है कि हम अभी इमिडिएटली डर के मारे स्टॉक को सेल करके निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको स्टॉक पोजीशन बना के अगर रखे हुए हैं तो स्टॉक को होल्ड करके चलिए फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम बात करेंगे न्यू एक स्टॉक के बारे में, जो कि एजिस लॉजिस्टिक के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे एजिस लॉजिस्टिक के बारे में, काफ़ी दिन पहले हमने वीडियो बना के आपको भी बताया था, तो वहाँ पे एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी बना हुआ था। अभी अगर एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, आज के दिन का अगर हम डिलीवरी देखेंगे, एक बढ़िया सा डिलीवरी इसमें उठाया गया है। देखिए, अभी 64-65% का डिलीवरी उठाया गया आज के दिन में। 2,99,000 क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है, और आज के दिन में डिलीवरी जो उठाया गया है, 1,93,000 का डिलीवरी उठाया गया है फ्रेंड्स। अभी इसका रिजल्ट भी देखेंगे, और लास्ट में आखिर में और एक पॉइंट बताऊंगा मैं, किस चीज़ के लिए स्टॉक के बारे में क्या पॉजिटिविटी न्यूज है और क्या है इसका जो जो मेन चीज़ है। तो आपको लास्ट में वीडियो में आखिर तक बने रहिए, तो उसमें मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा, और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक में अभी मार्केट सिनारियों में अभी ये स्टॉक में आप पोजीशन बना के चल सकते हैं, और कितना परसेंटेज का गेन आपको मिल सकता है। ठीक है, और पोजीशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो उसका टारगेट क्या रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए अभी जो स्टॉक का अभी मार्केट कैप अगर देखेंगे, 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर स्टॉक का पी देखते हैं, 28.6 का पी है, आरओसी 16 का आरओसी है। तो इस हिसाब से कंपनी का अगर डेट देखेंगे, 0.31% डेट है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है लास्ट, अगर हम यहाँ पे प्रमोटर प्लेज भी देखेंगे, 0% का प्रमोटर प्लेज है। ऑल टाइम हाई अगर देखते हैं, 394 का है। अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 243 के पास में। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, स्टॉक में जब लो चला था इस बार, कुछ दिन पहले जब लो पे टच हुआ था, 192 तक स्टॉक भी गया था। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट सितंबर में 650 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ था। अभी का जो सितंबर में 635 करोड़ का सेल्स हुआ है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, लास्ट क्वार्टर में 57 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी का क्वार्टर में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 94 करोड़ का प्रॉफिट निकल करके आया है। एक बढ़िया सा प्रॉफिट निकल करके आया। अगर हम देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर और ईयर ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे आपको प्रॉफिट बढ़िया सा जंप नज़र आ रहा है। अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर की भी बात करेंगे, यहाँ पे 298 करोड़ का लास्ट 4 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट निकल करके आया है। अगर हम सेल्स की भी बात करेंगे, 3,870 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी सॉरी सेल्स निकल करके आया है। तो कंपनी बढ़िया सा यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रहा है। अगर हम बैलेंस शीट में बात करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में भी रिजर्व बढ़ते जा रहा है। अभी 2,088 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। तो रिजर्व के हिसाब से बोरोइंग इतना ज़्यादा है ही नहीं। बोरोइंग यहाँ पे अगर हम देखेंगे, 654 करोड़ का बोरोइंग अगर है, तो यहाँ पे CWIP में भी 607 करोड़ का CWIP में है, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो इस हिसाब से अगर हम प्रमोटर का होल्डिंग भी देखेंगे, कुछ पॉजिटिविटी बिल्कुल नज़र आ रहा है। अगर हम देखेंगे लास्ट क्वार्टर में 57.74% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग था, अभी का अगर होल्डिंग देखेंगे 58.07% का होल्डिंग है। एक पॉजिटिव साइन हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। तो एक रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है, बहुत बढ़िया सा रिजल्ट में यहाँ पे पोस्ट किया है, ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद में अगर हम इन्वेस्टर में प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे, यहाँ पे प्रमोटर थोड़ा सा अपना स्टेक भी इंक्रीज कर रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे FI के होल्डिंग के बारे में, FI 14.96% का लास्ट क्वार्टर में होल्डिंग था, अभी का अगर होल्डिंग देखते हैं 16.12% का होल्डिंग है। FI भी बढ़िया सा यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है। तो इसी हिसाब से अगर हम चार्ट पैटर्न में जाएंगे फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न में देखेंगे और एक भी पॉजिटिव साइन आपको नज़र आएगा। आप सबको पता रहेगा, क्योंकि आप लोग हमेशा भी इस पे अगर पोजीशन जिन्होंने जिन्होंने पोजीशन बनाया है स्टॉक में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपने पोजीशन बनाया है, क्योंकि काफ़ी सारा फ्रेंड्स ये स्टॉक में पोजीशन बना के रखे हैं। ठीक है ना, और मैंने भी आपको बताया था ये स्टॉक कौन सा पोजीशन पे बाय करना है, मैंने आपको तभी भी बताया था, उस टाइम पे भी हमने बाय भी किया था, मेरा पोर्टफोलियो में भी है
ऐसा नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो में है तो मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी लीजिए, ऐसा नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस के बेस पे लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही लीजिए। स्मॉल कैप स्टॉक है, थोड़ा सा रिस्क भी रहेगा, लेकिन अभी इतना ज़्यादा रिस्क है ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक चीज़ आपको बिल्कुल नज़र आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम देखिए, इतना ज़्यादा वॉल्यूम कभी भी नहीं आया। अगर आप देखेंगे ना 1 साल 2 साल के बीच में इतना ज़्यादा कभी भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया। अभी देखिए कितना बड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे उठाया गया है, स्टॉक कितना बड़ा पोजिशन यहाँ पे उठाया गया, तो इस हिसाब से यहाँ पे एक बढ़िया सा जंप आ सकता है। जिस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है ना, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा जंप आ सकता है जिस हिसाब से वॉल्यूम यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बढ़िया सा वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो इस हिसाब से स्टॉक में अगर आप देखेंगे ये 2 दिन में बढ़िया सा वॉल्यूम यहाँ पे उठाया गया है। उसके बाद में स्टॉक में अभी तक जब मार्केट क्रैश भी हुआ है उसके बावजूद भी स्टॉक अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अभी स्टॉक अभी नीचे नहीं जा रहा है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है अभी ये 100 डे का जो रेड कलर का जो लाइन है, 100 डे का मूविंग एवरेज है, इसको जैसे क्रॉस करेगा स्टॉक में बहुत बड़ा सा तेजी आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 2 कैंडल अभी लगातार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ये कैंडल को क्रॉस करेगा ना, उसके बाद में स्टॉक में बहुत बढ़िया सा जंप आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद में यहाँ पे 200 डे का भी DMA जो है यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। उसके बाद में स्टॉक में रुकावट बिल्कुल भी नहीं आएगा। स्टॉक नेक्स्ट टारगेट तो आपको बिल्कुल जरूर यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे 385 टारगेट जरूर अचीव हो सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा फ्रेंड्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी कुछ दिन में बड़ा सा बढ़िया सा वॉल्यूम उठाया गया और यहाँ पे एक बढ़िया सा तेजी देखने को मिला, ऐसा जरूरी नहीं है कि इमिडिएटली ऐसा टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ये टारगेट हमें 6 मंथ्स में अचीव हो सकता है, अगर 1 साल भी लग जाए कोई बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक 80% का गेन भी था, मैंने आपको तब तो बताया भी था। ठीक है ना, तो हमारा जो पोजीशन हमने जो लिया है हमारा वहाँ से तो टारगेट हमें भी एक 70% का टारगेट भी हमें है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर हम अभी भी अगर आप देखेंगे 70-80% का मैंने यहाँ पे वीडियो बना के बताया था, अगर आप अभी भी ये स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आपको सारे चीज़ पॉजिटिव फैक्टर भी मिल चुका है, जो कि आपको रिजल्ट भी अच्छा आया, उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पे पोजीशन भी बढ़िया से उठाया जा रहा है, उसके बाद में आपने यहाँ पे देखा कि प्रमोटर का होल्डिंग भी इंक्रीज होते जा रहा है, FI ने भी अच्छा सा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो इसी बेस में सारे पॉजिटिव फैक्टर जब आप देख रहे हैं तो इस हिसाब से अभी अगर पोजिशन भी बनाने का सोच रहे हैं तो इस लेवल पे भी आप पोजीशन बना के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी हिसाब से पोजीशन बना के चलेंगे तो आपका जो टारगेट रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे 60% का गेन आपको मिल सकता है। 385 टारगेट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये जो 60% गेन है ना फ्रेंड्स, अगर 1 साल भी लग जाए कोई बुरा नहीं है, स्टॉक बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 3-5% का इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको एक 60% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जो वीडियो का जो इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक है, जैसे कि मूविंग एवरेज हुआ, जैसे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके जरूर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है फ्रेंड्स, ये वीडियो देख के आप ये सारे स्टॉक को अगर लेके चलेंगे एक बहुत बढ़िया सा पोर्टफोलियो बन सकता है, बहुत अच्छा सा पोर्टफोलियो में एक अच्छा सा गेन ले सकते हैं 20 साल के लिए अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए आपको डीमैट का अकाउंट चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो कि 0 दाग में है, आप इमीडिएटली एक डीमैट का अकाउंट खोल के आप इन्वेस्टमेंट जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इशू होता है आप जरूर हमें मेल कर सकते हैं, मैं जरूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।